नमस्कार मेरी टिप्स यूट्यूब प्लैटफर्मे अपन सकल के आरो एक बार स्वागत। आज के आलोचना करब एम एक विषय नहीं जेटा नहीं सकले ही कम बेसि आलोचना करछि बा चिंतित अर्थात स्कूलेर छात्र छात्री जरा एबार क्लास टेन टुएल्भर परीक्षा दिच्छे तारा किभाबे प्रस्तुति नेबे कारण ये लकडाउनेर पिरियडे तादेर पढ़ाशोनार अनेकटाई किन्तु हैम्पार होयेछे। बाड़ीते बसे वार्क फ्रम होम तारा करेछे, বাড়িতে বসে ওয়েবিনারে অথবা মোবাইলে পড়াশোনা করতে হয়েছে। এখন সামনে পরীক্ষা, কিভাবে তাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত এই সব নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিশিষ্ট কাউন্সিলর সালোনি প্রিয়া। নমস্কার, আই এম মিসেস সালোনি প্রিয়া, আ সাইকোলজিস্ট সাইকোথেরাপিস্ট ওয়ার্কিং ইন টু দ্য ফিল্ড অফ এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট স্টুডেন্ট কাউন্সেলিং থেরাপি and life skill coaching for the last 24 years. So it's a pleasure today to be with all of you. Ajker bishoy कोरोना में बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग तरीके से हुई और ये बिल्कुल सच है कि हमारे ये बच्चे जिनको अब माध्यमिक और बोर्ड एग्ज़ाम्स देना है वो पिछले काफ़ी महीनों से घरों में हैं, अपने दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं, स्कूल का रूटीन नहीं अटेंड कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम सबसे अच्छा क्या होता है, सिर्फ याद करना या अपने पेपर्स बार बार सॉल्व करना सही प्रिपरेशन नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा माइंड एंड बॉडी जब बिल्कुल सिंक में वर्क करता है, बैलेंस में, तब हम अपना बेस्ट देते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहूँगी कि इस समय थोड़ा सा फिज़िकल एक्सरसाइज एंड फिटनेस, 20 मिनट्स, 25-30 मिनट भी अगर दिन में दो बार, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे बॉडी में पूरी तरह से उनके ब्लड सर्कुलेशन हो, उनको थोड़ा सा स्वेटिंग हो, थोड़ा एजिलिटी हो, वो बहुत ज़रूरी है। उससे उनका माइंड भी और अलर्ट होएगा और फिर वो ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। दूसरा मेरा ये कहना है कि एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन में बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा स्वाध्याय करें। और स्वाध्याय का मतलब है हमने जो कुछ भी पढ़ा है, समझा है, उसको लिखें और ख़ुद उसको चेक करें। तो ये अगर स्टूडेंट्स आज थोड़े छोटे छोटे ग्रुप्स बना लें, 3-4 बच्चे 5 बच्चे जो सबको परीक्षा देना है, एक साथ जो है एक पेपर सब सॉल्व करें और फिर एक दूसरे का करेक्ट करें, थोड़ा सा डिस्कशन करें, फीडबैक दें, तो इससे रिटन प्रैक्टिस भी होगी। बच्चों का जो कुछ भी उनको आता है उसको किस तरह से एग्ज़ाम में लिखना है उसकी भी प्रैक्टिस होगी और बच्चे आने वाले एग्ज़ाम के लिए वापस मेंटली और फिज़िकली अलर्ट होंगे। ये जो डिजिटल माध्यम है जिसमें एक क्लिक और गूगल से सब आंसर मिल जाता है, सब कुछ तो नेट पे दिया हुआ है, तो हम में से बहुत से लोगों ने पिछले 5-6 महीने में ये आदत डाल ली है कि सब कुछ तो दिया हुआ है, याद करने का भी ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ से कॉपी कट पेस्ट करके आंसर दे दिए, टीचर तो मेरे घर आ नहीं रही है, हमको देख नहीं रही है, खाता जमा करना नहीं है। तो मेरा यहाँ आप सबको यही सजेशन है कि अब हम डिजिटल वर्ल्ड से दूर नहीं रह सकते, ये हमारे जीवन का भाग है, हमको इसके साथ जीना है और हमको इसको रियल वर्ल्ड से, जो वास्तविकता की दुनिया है, उससे इसको बैलेंस करना है। तो अब ये जनवरी से अप्रैल मई तक का जो आपके पास 3 महीने का समय है, आप सब ने डिजिटल वर्ल्ड को इन्जॉय भी किया, इसमें इंटरटेनमेंट भी है, इसमें नॉलेज भी है, इसमें एक्सपोजर भी है। आप यहाँ बैठे बैठे स्वीडन के टीचर से पढ़ सकते हैं, आप यहाँ बैठे बैठे कोई कैनेडा के लड़के से दोस्ती कर सकते हैं और आप यहाँ बैठे बैठे किसी इंडस्ट्री के बारे में वीडियो से, यूट्यूब के थ्रू सब कुछ जानकारी जान सकते हैं, जिसके लिए किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो विजुअल माध्यम है और जो बोलने का माध्यम है, ये बहुत सशक्त है। इसीलिए देखिए, पुराने ज़माने में जितनी भी चीज़ें सिखाई जाती थी वो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से सिखाई जाती थी। हमारी गीता भी एक वर्बल डायलेक्ट है, बोल के हमें ज्ञान दिया गया था धर्म का। आज आप सबके लिए यही एक बैलेंसिंग समय है, हम सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब आपको ये समझना है एज स्टूडेंट्स हम किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। और आज अगर आप अपने को ग्लोबल
विलेज का सिटीज़न मानते हैं, तो आज तो सारी बाउंड्रीज देश की विदेश की सब डिफ्यूज़ हो गई हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो आपको ये देखना है कि अगर मैं कल की दुनिया के लिए अपने को तैयार कर रहा हूँ तो ये चीटिंग करना, ये शॉर्ट टर्म गेन करना, क्या ये मेरे लिए सही है? आपके पास समय है? आप में से सभी विद्यार्थियों को मैं यही कहूँगी, अपने आप को पहचानिए, इस माध्यम के साथ सीखना, इस माध्यम को इस्तेमाल करना सीखिए, इस माध्यम को अब्यूज़ मत करिए और इस माध्यम के विक्टिम मत बनिए। आपको इस माध्यम का, डिजिटल वर्ल्ड का, टेक्नोलॉजी का मास्टर बनना है। ये जितनी चीज़ें हैं, ये मोबाइल है, ये सॉफ्टवेयर है, ये इंसान के दिमाग ने बनाया है, तो इंसान का दिमाग इन सारी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा सशक्त है और ये दिमाग आपके पास भी है, इसका सही इस्तेमाल करिए। जो हमारा यंगर जनरेशन है, ये देखिए उम्र होती है जिसमें हमारे लिए लोगों से मिलना जुलना सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी नहीं होता है, ये हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए ज़रूरी होता है। जब हम अपने चार दोस्तों से बात करते हैं, किसी से झगड़ा होता है, किसी से डिस्कशन होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, इसी से हमारे अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी का विकास होता है। इसीलिए देखिए सामाजिक संस्थाएं बनाई गई हैं, स्कूल, कॉलेजेस, टीचर्स, इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स, हर तरह का, ताकि 12 साल 13 साल से लेके 23 साल का जो ये उम्र है, ये किसी भी इंसान के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसके सोच के लिए, उसकी एक अपनी समझ के लिए ज़रूरी है। अब ये जो कोरोना का काल था, इसमें ये जो हमने सोशल डिस्टेंसिंग की ना, ये एक्चुअली फिज़िकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी। हमें अपने को वायरस के इन्फेक्शन से बचाने के लिए दूरी कायम करनी थी, लेकिन हमें सोशली लोगों से दूर नहीं होना था। हुआ क्या है, बच्चों ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपने को पूरी तरह से खो दिया है। बच्चों ने अपना प्लेजर, अपना सोच विचार सब कुछ कार्टून कैरेक्टर से लेके यूट्यूब कैरेक्टर से जोड़ दिया है और रियलिटी से दूर हो गए। तो मैंने पिछले 6 से 7 महीने में 100 से ज़्यादा वेबिनार्स किए हैं पेरेंट्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए, और आज भी मैं अपनी युवा पीढ़ी से, उनके अभिभावकों से और टीचर से यही कहूँगी कि स्कूल खुल रहे हैं, हम वापस ज़िंदगी से जुड़ रहे हैं, भले हमारे बच्चे पूरी तरह से स्कूल ना आए, लेकिन अगर हम सोशल इंटरेक्शन बढ़ाएं, डिस्कशन फोरम्स बढ़ाएं, बच्चों को मौका दें कि वो डिस्कशन कर सकें, अपनी बात को कह सकें, उनको थोड़ा एप्रिसिएशन, प्रोत्साहन, ये चीज़ें दी जाएं, तो फिर बच्चे बहुत जल्दी से वापस, क्योंकि पिछले 12, 13, 15 सालों से बच्चों ने स्कूल अटेंड किया है, रूटीन फॉलो किया है, होमवर्क किया है, क्लास वर्क किया है, तो ऐसा नहीं है कि ये 10 महीने में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, अनडन हो जाएगा, ये एक फेज़ है। थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा बच्चों के ऊपर भरोसा और पेशेंस रख के अगर केयर गिवर्स, टीचर्स, मेंटर्स, कोचेस, पेरेंट्स साथ मिलके इन बच्चों को हेल्प करेंगे, तो हमारे बच्चे शायद वो बैलेंस पालेंगे, जहां वो नई टेक्नोलॉजी के भी मास्टर हैं और पुरानी जो मेथड्स थी जो हमारे लिए ज़रूरी हैं उनको भी अपना सकें। तो अभी फरवरी से मई तक का जो ये ट्रांजिशन फॉर्म है, जैसे हम लोग पिछले साल मार्च से मई तक के ट्रांजिशन में गए और हमारी दुनिया बदल गई, आई थिंक अब वापस प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, हमें फिर फरवरी से मई तक में धीरे धीरे एक अलग तरह का, जिसको हम न्यू नॉर्मल कह रहे हैं आज, उसमें जीना सीखना है, जहाँ टेक्नोलॉजी भी रहेगी, हम चीज़ों को नई तरीके से लिखना और सीखना सीखेंगे, लेकिन हम अपने इम्तहान और अपने करियर से रिलेटेड अपनी पर्सनालिटी को जो डेवलप करना है उसके लिए भी लोगों के साथ मिलके काम करेंगे। असंख्य धन्यवाद सलोनी प्रिया हमारे समय देवार जन्य। सलोनी प्रियार आरो परामर्श पेते होले अवश्य देखते थाकुन मेडिटिप्स यूट्यूब चैनल एवं सबस्क्राइब और लाइक करते भूलें ना। এই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বা কলকাতা সহ ভারতের চিকিৎসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে এই ঠিকানায়। আমাদের ফোন নাম্বার +91 9330 240 762, আবার বলছি +91 9330 240 762, আমাদের ইমেল আইডি mailmeditips@gmail.com।
এছাড়াও মেডিটিপস নামে ইউটিউব ও ফেসবুক পেজও পাবেন আমাদের।